इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्राचीन श्री दिगंबर जैन मंदिर पटपड़गंज गांव दिल्ली अंतर्गत प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली। संयोजक श्री मुनिराज चातुर्मास समिति पटपड़गंज गांव दिल्ली। सभी लोग
हे त्रिलोकीनाथ भगवन नमोस्तु 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 हे देवादिदेव भगवन नमोस्तु 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 हे वीतरागी भगवन नमोस्तु 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 भाई दीप में विराजमान दीन कमनौगर मुनिराजों को हमारा बारंबार नमोस्तु 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 भारत के समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियों को हमारा बारंबार नमोस्तु 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 परम पूज्य श्रमण श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु 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 में सभी लोग हंसते मुस्कुराते बोलेंगे जय जिनेन्द्र भगवान की जयकारा लगाए मिलकर आदिनाथ भगवान की चंदा प्रभु भगवान की वसुभुज भगवान की शांतिनाथ भगवान की नेमीनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की महावीर भगवान की जय 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 गुरुवर वीराम सागर जी मुनिराज की जय 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 अहिंसा मनुष्य धर्म की जय 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 विभंजन सागर जी मुनिराज की जय 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 विभंजन सागर जी मुनिराज की जय 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 विभंजन सागर जी मुनिराज की जय 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 समस्त मुनि संघ की जय 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 तुम्हें देख तो जीवन रास आया मुझको तुम्हें देख तो जीवन रास आया मुझको तुम्हें अपना बनाने का ख्वाब आया मुझको रहना पाऊंगा तुम बिन इस खुदगर्ज दुनिया में रहना पाऊंगा तुम बिन इस खुदगर्ज दुनिया में गुरुवर तुम ही हो जिसे देखकर आत्मख्याल आया है मुझको आया है मुझको गुरुवर जैसे जैसे ये लम्हे गुजर रहे हैं गुरुवर जैसे जैसे ये लम्हे गुजर रहे हैं मेरे दिल के आप उतने करीब हो रहे हैं हाल अब हम हमारा कहें क्या हाल अब हम हमारा कहें क्या ये तो बेवक्त बहने वाले अश्क कह रहे हैं अश्क कह रहे हैं चलते हैं कुछ जानते हैं जिज्ञासा के माध्यम से कुछ नई बात छोटी सी बात जो बहुत कि कौन सी धातु हमारे लिए कितना प्रभावित करती है और कहाँ किसके साथ हमें क्या पहनना चाहिए इसके बारे में हमने कल जाना था आज हम जानते हैं अभिषेक पूजन में धोती दुपट्टा आवश्यक क्यों है क्या कुर्ता पजामा पहनकर नहीं कर सकते अभिषेक आवश्यक क्यों है कहते तो सब हैं आवश्यक है हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि धोती दुपट्टा जरूर पहनो उसके बाद अभिषेक करो तो क्यों आवश्यक है कुर्ता पजामा में क्यों पहनकर हम अभिषेक नहीं कर सकते देखिए अभिषेक पूजन हेतु आर्स ग्रंथों में शुद्ध नवीन पूजन कार्यों में शुद्ध नवीन और पूजन कार्यों के अतिरिक्त अन्यत्र उपयोग ना किए गए अन्यत्र उपयोग ना किए गए मतलब उसी में बैठकर भोजन कर लेना या लघु संघ आदि चले जाना या और घर गृहस्थी के काम कर लेना झाड़ू पोंछा लगा लेना इन कामों में उपयोग नहीं किए गए हों ऐसे धोती दुपट्टे का विधान मिलता है धोती दुपट्टा अखंड वस्त्र है जबकि कुर्ता पजामा अखंड वस्त्र नहीं है अतः उनका प्रयोग पूजन प्रक्षाल में नहीं किया जा सकता है वस्त्रों के माध्यम से विचारों में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है जैसे वस्त्र होते हैं वैसा प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है कैसे आप देखिए जब कोई व्यक्ति सफ़ेद कोट पहन के निकलता है ना और गले में आला डाल लेता है तो अपने आप को डॉक्टर समझने लगता है जब कोई काला कोट पहन के टाई लगा के घूमता है तो वकील समझने लगता है और जब कोई पुलिस की वर्दी पहन के घूमता है तो उस अपने आप को पुलिस समझने लगता है केवल वस्त्र ही तो बदल रहे शरीर तो वही है वस्त्र बदलने से उसके मन को प्रभाव पड़ रहा है प्रभावित हो रहा है मिलिट्री के कपड़े पहन लिए तो मिलिट्री जैसा स्कूल के कपड़े पहन लिए तो स्कूल जैसा ऐसे ही हम भगवान के चरणों में जब आते हैं और जब पीले धोती दुपट्टा पहनते हैं तो अभिषेक की जो भावना मन में जागृत होती है इसलिए वस्त्रों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है धवल
और देखिए अभिषेक के लिए पीले धोती दुपट्टा पहनते हैं, आहार के लिए सफ़ेद धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, जिससे हमारे भाव बड़े निर्मल परिणाम उच्च होते हैं। जैसे वस्त्र होते हैं वैसे भाव और विचार अपने आप बनने लगते हैं। धोती दुपट्टा पहनने से विचार धार्मिक शुद्ध सात्विक बनने लगते हैं, इसलिए धोती दुपट्टा पहनकर ही हमें श्री जी का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक पूजा एवं विधि विधान में पीले या केसरिया वस्त्री क्यों पहने जाते हैं? पीले पहनते हैं तो क्यों पहने जाते हैं? तो वही बात आई कि वस्त्र का जीवन में प्रभाव पड़ता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है वस्त्र। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में अंतरंग और बहिरंग दोनों की शुद्धियों का होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि बाहर से स्नान कर लिया, कपड़े पहन लिए, मन तो काला है, मन अशुद्ध है, तो अंतरंग शुद्धि से शुभ लेस्या ग्रहण करना चाहिए और बहिरंग शुद्धि से शरीर और वस्त्र की शुद्धि मानी गई है। शुभ कार्य के लिए पीत आदि शुभ लेस्या का होना बहुत जरूरी है, इसलिए शुभ लेस्या के प्रतीक स्वरूप पीत वस्त्रों को धारण करके धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा प्रक्षाल विधान पंचकल्याणक वेदी प्रतिष्ठा आदि कोई भी अनुष्ठान होते हैं तो उनमें पीले वस्त्र ही पहने जाते हैं। अब देखिए अभिषेक की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। एक होता है अभिषेक और एक होता है प्रक्षाल, ठीक है? दोनों में क्या अंतर है? अभिषेक और प्रक्षाल दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए अभिषेक, अभिषेक जिन प्रतिमा के शीर्ष भाग, शीर्ष भाग मतलब सिर, सिर से सुगंधित जल आदि से धारा करना, ये कहलाता अभिषेक। सिर से धारा करना एक कहलाता अभिषेक। प्रक्षाल क्या कहलाता है? जिनेन्द्र भगवान के चरणों में जल धारा आदि छोड़कर चरण पखारना, ये प्रक्षाल कहलाता है। या प्रतिमा को गीले कपड़े से परिमार्जन करना भी प्रक्षाल के अंतर्गत आता है। तो प्रक्षाल और अभिषेक दोनों अलग है, और मार्जन सूखे कपड़े से मार्जन कर देना, ये कहलाता मार्जन। तो अभिषेक अलग है, प्रक्षाल अलग है। अब वो बात, वो जिज्ञासा आ रही है कि जो अक्सर अनेकों मंदिरों में लोग करने लगे हैं, जैसे पाषाण की प्रतिमा है तो पाषाण की प्रतिमा में लोग कपड़ा लगा लेते हैं और कपड़ा लगाकर फिर अभिषेक करते हैं, चाहे वो पद्मासन के अंदर डाल दी जाए कपड़े की छन्नी, छन्ना बोलते ना, या फिर यहाँ पर लगा लेते हैं ठोड़ी के पास और फिर भगवान का अभिषेक कर देते हैं, और कोई चलो पद्मासन के नीचे अगर लगाई जाए तो उतना तो चलता है, लेकिन आप अगर भगवान के ऊपर ही डाल रहे हैं तो भगवान को आपने परिग्रह बना दिया, भगवान को आपने परिग्रह बना दिया, इसलिए कपड़ा नहीं डाल सकते हैं, ना कपड़ा लगा सकते हैं ना डाल सकते हैं। अभिषेक कम जरूर कर सकते हैं, अभिषेक के लिए विधान नहीं है कि आपको एक कलश भर के ही अभिषेक करना पड़ेगा, ऐसा विधान नहीं है। आप थोड़ा सा भी अभिषेक जल डालकर अभिषेक कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो होना चाहिए अभिषेक, तो होना चाहिए, लेकिन भर भर कलशों से नहीं, तो कम से कम कुछ बूंदों के माध्यम से तो अभिषेक मस्तक पर ही धारा छोड़नी चाहिए। अब बात आती है, क्या प्रतिमा जी पर कपड़ा लगाकर अभिषेक कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं। बीतरागी प्रभु की प्रतिमा का कपड़ा लगाकर अभिषेक नहीं कर सकते। प्रतिष्ठित जिन बिंब पर वस्त्र नहीं डाला जाता है, प्रतिमा जी को सिंहासन सहित थाली में विराजमान करके, कैसे? सिंहासन सहित थाली में विराजमान करके विनय विवेक पूर्वक अभिषेक करना चाहिए। प्रतिमा अचल हो तो वेदी पर ही गंधोदक निकालने की व्यवस्था करना चाहिए। मूर्ति पर वस्त्र लगाकर अभिषेक कभी ना करें, कभी भी ना करें। वस्त्र रखना परिग्रह हो जाएगा, वस्त्र से मार्जन करना परिग्रह नहीं कहलाएगा, वरना तो सारे परिग्रह बन जाएंगे, मुनिराज भी बन जाएंगे,
अब मुनिराज भी टॉवल का उपयोग करते हैं यदि शरीर पहुंचने में, हाथ पहुंचने में, तो उनके द्वारा या किसी के द्वारा टॉवल चल रही है, हाथ से मार्जन चल रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर टॉवल रख के छोड़ दी तो परिग्रह कहलाएंगे। परिग्रह 10 प्रकार का होता है। कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि मुनिराज भगवान की प्रतिमा पर फूल रखा रहता है और चंदन रखा रहता है, तो चंदन और फूल से भगवान परिग्रह हो गए, तो परिग्रह भगवान को हम कैसे नमस्कार करें? तो उन्होंने कहाँ से कहाँ बात जोड़ ली। आप देखिए, परिग्रह होते कितने प्रकार के हैं पता है? 2 प्रकार के, बहिरंग और अंतरंग। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद और बहिरंग परिग्रह के 10 भेद। तो बहिरंग परिग्रह जो 10 भेद हैं, उसमें कौन से परिग्रह में फूल आता है? क्षेत्र में आता है क्या? क्षेत्र मतलब जमीन। वास्तु में आता है क्या? वास्तु मतलब मकान। फिर उसके बाद धन, धन मतलब रुपए, रुपए पैसे, धन दौलत, क्या इसमें आता है? अगला है धान्य, धान मतलब अनाज, अनाज आदि, अनाज में आता है क्या? हिरण्य, हिरण्य मतलब चांदी, और सुवर्ण मतलब सोना, क्या चांदी सोना में आता है क्या? तो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य। उसके बाद परिग्रह है दास दासी, दास दासी में आता है क्या? कुप भांड, कुप मतलब कपड़े, भांड मतलब बर्तन, कपड़े और बर्तन। ये 10 प्रकार के परिग्रह आचार्यों ने गिनाए गए हैं। अब इन 10 प्रकार के परिग्रहों में कौन से नंबर के परिग्रह में इसको लेंगे हम, फूल को कौन से परिग्रह में लेंगे? कौन से में लेंगे बताओ? मकान में, जमीन में, जायदाद में, रुपए में, पैसे में, या अनाज में, या दासी में, दास में, कपड़े में, बर्तन में, कहाँ लेंगे? तो फिर हम किस दृष्टि से बोलते हैं भगवान परिग्रह हो गए? चंदन लगा दिया, चंदन कौन से नंबर के परिग्रह में आता है? किसी में नहीं आता, किसी में नहीं आता। ये मान्यता है अन्य मत की, जो दूसरा मत बीसपंथी परंपरा हमारे यहाँ जो चलता है, तो उसमें मान्यता है, उस मान्यता को हम गलत कैसे ठहरा सकते हैं? हाँ, अगर आपने चावल रख दिए ऊपर तो क्या हो गया? धान्य आ गया, तो धान्य परिग्रह हो गया। अगर भगवान के हाथ पे ही चावल चढ़ा दिया आपने, अर्गम निरपामती स्वाहा, हाँ जी भगवान ले लियो जब मन कर जाए, ये परिग्रह में आ जाएगा। तो परिग्रह क्या है उसको समझें और उसके बाद हम कुछ बोलें। हमारी मान्यता अलग है, 13 पंथनामा में अलग है, 20 पंथनामा में अलग है, गलत कोई नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है। हमारा धन तो अनिकांतवाद है, वो कहता है ये भी सही ये भी सही, कोई गलत है ही नहीं है। तो प्रतिमा पर कभी कपड़ा नहीं लगाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बताते हैं मूल नायक प्रतिमा के बारे में, कि मूल नायक प्रतिमा को अभिषेक के समय हटा सकते हैं या नहीं। मूल नायक भगवान जो हैं, जो भी वेदी के मूल नायक हैं, मंदिर के मूल नायक थोड़ा वेदी के, हर वेदी के मूल नायक होते हैं, तो क्या हटा सकते हैं कि नहीं? वेदी पर 2 प्रकार की प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं, एक तो चल और दूसरी अचल प्रतिमा। मूल नायक को अचल प्रतिमा के रूप में अचल यंत्र रखकर स्थापित करते हैं। अचल यंत्र स्थापित किया जाएगा, उसके बाद उसमें नवरत्न डाले जाएंगे, उसके बाद उसमें पारा डाला जाएगा और सफ़ेद सीमेंट को माना गया, सफ़ेद सीमेंट को लगाकर घोल कर और फिर उस पर प्रतिमा को स्थिर किया जाता है, वो अचल कहलाती है, अचल प्रतिमा। तो प्रतिमा को अचल होना ही चाहिए मूल नायक भगवान को। जब तक मूल नायक भगवान अचल नहीं है तब तक समाज अचल नहीं है, समाज भी चलायमान रहती है। चलायमान मतलब चलायमान, दो इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा, कोई किसी की सुन नहीं रहा, सब ऐसे ही रहते हैं, तो समाज चलायमान रहती है। इसलिए शीघ्र अति शीघ्र जितने जल्दी हो सके अपने मंदिर के मूल नायक या वेदी के मूल नायक जो भी हों, अगर चल हों तो उनको अचल बनाना चाहिए, और बड़ा पुण्य है अचल बनाने का। ऐसा मत समझना कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, बड़ा पुण्य है अचल भगवान बनाने का। जो चलायमान भगवान थे उनको अचल बना दिया आपने। अतः मूल नायक प्रतिमा को किसी भी समय नहीं हटा सकते हैं,
इनका हटाना अत्यंत अशुभ एवं अनिष्टकारी माना जाता है। इसलिए कभी भी मूल नायक को बिना देवों की अनुमति के आज्ञा के नहीं हटाना चाहिए। पहले अनुमति ली जाती है, उसके बाद हटाया जाता है। हम तो बिना सोचे समझे बस उठाई प्रतिमा, बोले वेदी में कुछ काम करना है, उठाई प्रतिमा रखी थाली में और काम करा और जाके फिर से विराजमान कर दी, हो गया काम। ऐसे नहीं, अगर ऐसे करते हैं तो कुछ ना कुछ अनिष्ट हमारे साथ जरूर होता ही है। इसलिए कभी भी भूल कर भी मूल नायक भगवान को चलायमान नहीं करें। अभिषेक किस प्रतिमा का होता है, जिज्ञासा है, अभिषेक किस प्रतिमा का होता है? तो अभिषेक चल और अचल दोनों प्रतिमा का होता है। अचल प्रतिमा को वेदी से स्थानांतरित नहीं करते, उनका अभिषेक वेदी पर ही किया जाता है। और चल प्रतिमा को तो उठाकर पांडुशाला में थाली में विराजमान करके और हम अभिषेक कर सकते हैं। कहीं कहीं थाल में मूल नायक को छोड़कर समस्त प्रतिमाएं विराजमान करके अभिषेक करते हैं। क्या अभिषेक के लिए एक से अधिक प्रतिमाएं रख सकते हैं, जिज्ञासा है। देखिए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में और अलग अलग मंदिरों की अपनी अपनी परंपराएं हैं। कहीं पर अभिषेक के लिए एक प्रतिमा विराजमान करते हैं, एक ही प्रतिमा विराजमान करते हैं, और वेदी पर स्थित जिन बिंबों का केवल प्रक्षाल, वो भी सावधानी पूर्वक, पहले गीले कपड़े से कर लेते हैं फिर सूखे वस्त्र से कर लेते हैं, तो ऐसा होता है। और कहीं पर ऐसा होता है जितनी भी धातु की प्रतिमा है उन धातु की प्रतिमाओं को बाहर विराजमान किया जाता है थाल में, और थाल में प्रक्षाल आदि, जल से अभिषेक आदि किया जा सकता है। लेकिन पाषाण की मूर्ति को बार बार नहीं उठाना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। हो सकता है आपके द्वारा हाथ से वो प्रतिमा फिसल जाए, गिर जाए, तो प्रतिमा खंडित हो सकती है और उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए प्रतिमा आपके द्वारा कभी खंडित ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना अभिनय होगी, दोष लगेगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक अंतिम जिज्ञासा, अभिषेक के पश्चात प्रतिमा को वैसे ही छोड़कर अन्य वेदी का अभिषेक करना या पूजा शुरू करना उचित है कि नहीं? अभिषेक के पश्चात जिन बिंब को पुनः वेदी पर विराजमान करके पूजा या अन्य वेदी का अभिषेक करना चाहिए। पहले एक वेदी को फ्री कर दो, अभिषेक करके प्रतिमा को वेदी में विराजमान किए बिना अन्य वेदी पर जाने से अवमानना होती है, अपमान भी हो सकता है, इसलिए एक वेदी पर खड़े होकर आराम से अभिषेक कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है मंदिर में तीन वेदी हैं तो तीनों वेदी पर आपको प्रक्षाल करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था हो, इतने लोग हो, इतनी व्यवस्था हो तो कोई करने में बुराई नहीं है, मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर प्रतिमा है ही नहीं है, जैसे अपने तीसरी वाली वेदी पर, तीसरी वाली वेदी में प्रतिमा है ही नहीं है, केवल पाषाण की प्रतिमा एक प्रतिमा है, और एक प्रतिमा में अब प्रतिमा तो अचल है, अचल करेंगे उसको तो अचल है, तो अब उसको कैसे बाहर निकालें? तो निकाल नहीं सकते। सिद्धों के आकार का अभिषेक होता नहीं है, मेरुओं का अभिषेक होता नहीं है, और भगवान के सामने यंत्र का कोई महत्व ज़्यादा होता नहीं है। जहाँ भगवान साक्षात विराजमान हो तो यंत्र की इतनी महत्वता नहीं होती है। तो इसलिए एक वेदी पर करें अभिषेक, और बड़े आनंद के साथ करें, बड़े आनंद के साथ उसमें अभिषेक करना चाहिए। अब उसमें एक प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं आप, तीन प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं आप, पांच प्रतिमा कर रहे हैं, वो आपकी व्यवस्था के ऊपर है कि आपकी व्यवस्था कैसी है। अगर आप एक प्रतिमा को विराजमान करके खुश हैं, आनंदित हैं और बड़ा उसमें ही मन में आनंदित हैं, तो एक प्रतिमा विराजमान कर ही हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और जब एक प्रतिमा विराजमान करें तो विनम्रतापूर्वक उसको सिंहासन पर विराजमान करें, सिंहासन लगाएं और सिंहासन पर विराजमान करें और फिर अभिषेक करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक चीज़ और बता दूं कि कई लोग की जिज्ञासा होती है कि एक प्रतिमा का कितनी बार अभिषेक किया जा सकता है। यदि वेदी पर पूजा हो रही हो
तो वहीं पर अभिषेक करने में उनको व्यवधान होगा, तो अभिषेक करें या नहीं करें, ये जिज्ञासा रहती है। देखिए पूजा का समय प्रातः काल कहाँ है और पूजा के पहले अभिषेक होता है, अतः उसी समय हमें अभिषेक करना चाहिए। पूजा करते समय अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा करने वाला उस जिन बिंब पर दृष्टि को लगाए हुए है और अभिषेक को वह बिंब आपने उठा लिया, यदि बिंब उठा लिया जाए तो उसे आकुलता होगी कि नहीं। वो जिस भगवान पर अपनी दृष्टि को लगाकर पूजा कर रहा था, आपने उसी बिंब को उठाकर और अभिषेक करने में विराजमान कर दिया, तो उसको विकल तो आएगा, जरूर आएगा, आकुलता होगी और भावों में विकृति आएगी। अतः जिस वेदी पर पूजा हो रही हो उस वेदी पर अभिषेक नहीं करें तो अच्छा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं, आज का प्रश्न मंच है। हाँ नहीं, उचित नहीं है। एक बार प्रतिमा अगर निकाल ली गई और उसके बाद जब कोई अभिषेक करने वाला है तो ठीक है, विराजमान है। अब आप किसी का इंतजार करें कि वो देखने वाला आएगा, वो करने वाला आएगा, जब तक भगवान ऐसे ही बैठे रहें। अगर आपको बाथरूम में कह दिया जाए कि ऐसे ही बैठे रहो गीले गीले, बस आपने नहा लिया अभी बैठे रहो, सूखे नहीं होना, जब तक अपने आप नहीं सूख जाओ तब तक बाथरूम से बाहर मत निकलियो, ऐसे ही बैठे रहो, तो क्या उचित लगेगा? नहीं ना। तो भगवान का नमन कर रहे हैं, एक बार गीली प्रतिमा हो गई है, बेचारे बताओ नवंबर दिसंबर को कितनी ठंड लगती होगी, उन्हें कितने पानी में बिठाल के रखते हैं, हैं? फिर आ रहा कोई सो, जय 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 भगवान जय जय भगवान, फिर डाला फिर डाला। एक जगह तो हम गए, क्या हो गया? ठीक है, एक जगह में गया तो मालूम क्या हुआ, उन्होंने फिक्स कर रखा था कि 7 बजे पांडुशिला में भगवान विराजमान होंगे और 7:30 बजे मार्जन होगा, बस 7 बजे विराजमान कर दिए। कोटा की बात बता रहा हूँ मैं कोटा में था, वहाँ की बात, तो कोटा में विराजमान कर दी पांडुशिला में, बस सब आते जा रहे, वो भगवान बैठे हुए हैं ऐसे, बस ऐसे बैठे बेचारे, ना हिल पा रहे ना डुल पा रहे ना कुछ कर पा रहे ना बोल पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, बस चुपचाप ऐसे बिठाल दिया उन्हें, वो बैठे हैं। अब आदमी व्यक्ति आ रहा है, कलश लिया, ओम ओम जी विश्वाद वीरंदर विश्वाम दी स्वाहा, डाला कलश, रखा, चल दिया, यह विधि ठाण हो के व्रतम पढ़े जो बाढ़, पूजा करना शुरू कर दिया, भगवान बैठे ही है गीले गीले। इतने 5 मिनट बाद दूसरा आया, उसने जल डाला, पूजा करने बैठ गया, भगवान बैठे हैं, भगवान इंतजार कर रहा कब 7:30 बजे, कब 7:30 बजे हम उठे यहाँ से, फिर भी भगवान उठ ही नहीं पाते, क्या करें। तो इसलिए भगवान का अभिषेक, तुरंत अभिषेक करके उसका मार्जन करके और कर देना चाहिए। एक बात विशेष ध्यान रखें, भगवान हमारा इंतजार ना करें, हम भगवान का इंतजार करें कि भगवान के पांडुशिला पर आने का समय हो गया है, हमें 5 मिनट उसके पहले पहुंचना चाहिए और अभिषेक बड़े भक्ति भाव से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान पांडुशिला से जाने वाले हैं, बिल्कुल हाथ में मार्जन करने उठा लिए हैं और आपने कह रहे भैया रुक जाओ 2 मिनट हम आ रहे धोती पट्टा पहन के, अब भगवान तो हाथ पे आ चुके थे, उनने फिर पांडुशिला विराजमान कर दिया, अब वो देख रहे गेट पर बार बार, आजा भैया, हाँ बस आ रहे, धोती पहन ली दुपट्टा पहन रहे, बस आ रहे। अभी इतने भगवान बैठे हैं, वो कह रहे भैया आ जाओ मार्जन कर दें क्या, बोले नहीं बस हम आ ही रहे, बस आ गए भैया, उसके बाद फिर मार्जन कर रहे, अभिषेक करेंगे वो फिर मार्जन करेंगे। तो ये अभिन्न है भगवान को उठाकर फिर विराजमान करना या छोड़ देना भगवान को गीले में ही, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने समय को एडजस्ट करें, अपने प्रक्षाल का जो समय है उस समय पर आप आए और उस समय पर ही अभिषेक करना चाहिए। हाँ मुखर, हाँ जरूर लेना चाहिए अभिषेक के लिए। जब आप प्रतिमा उठाते हैं तो प्रतिमा उठाने के लिए बिना आज्ञा के जिन प्रतिमा को पांडुशिला पर लाकर विराजमान नहीं कर सकते हैं, पहले आप जहाँ से प्रतिमा को उठाएंगे वहाँ से आज्ञा लीजिए, अनुमति लीजिए और वहाँ पर अर्घ बोलकर अर्घ चढ़ाइए और फिर उसके बाद प्रतिमा को ले जाकर विराजमान करना चाहिए।
प्रश्न मंच है, है? हाँ, कहीं कहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं परंपरा है तो कर सकते हैं। और ऐसा विधान है कि यदि देखो अभिषेक करने वाला है, शांति धारा हो चुकी है, और यदि कोई नियम वाला है कि अभिषेक करता ही है, तो दिवट्टा बन के आ गया है, तो उसको कराने में कोई दोष नहीं माना गया, क्योंकि शांति धारा एक बड़ा अभिषेक है। शांति धारा बड़ा अभिषेक है और जो अभिषेक है वो छोटा अभिषेक है। तो छोटा अभिषेक पहले हो गया, फिर बड़ा अभिषेक बाद में हो गया, फिर छोटा अभिषेक फिर से कर दिया, तो कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जैसे जिस मंदिर की परंपरा है, उस परंपरा का भी निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड तरफ तो कई परंपरा, कई मंदिर ऐसे हैं, कुछ प्रतिमाओं को तो बार बार पुनः पुनः अभिषेक के लिए निकालते हैं, क्योंकि श्रावकों के नियम है कि हम अभिषेक पूर्वक ही पूजन करेंगे, तो अभिषेक पहले जरूर करेंगे, उसके बाद ही पूजन होती है। तो वो एक छोटी प्रतिमा को निकाल कर अभिषेक करके मार्जन करके विराजमान कर देते हैं। जब पुनः पुनः अभिषेक हो सकता है, तो फिर शांति धारा का अभिषेक करने में क्या बुराई है, अर्थात कर भी सकते हैं। जहाँ परंपरा नहीं हो वहाँ नहीं कर सकते हैं। चलिए दीदी नामला कुछ ठीका, आज आपको प्रश्न मंच में एक भजन की पुस्तक मिल रही है, आप भजन की तैयारी करें और अच्छे से उसको तैयारी करें, क्योंकि दस लक्षण पर्व में आपको बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा, ज्ञान प्राप्त करने को मिलेगा। कल आपको पुस्तक दी गई थी, आपने क्वेश्चन याद तो पूरे कर लिए होंगे ना, नहीं करे? अच्छा चलो, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिएगा, जिसको आता केवल हाथ खड़ा करिएगा और तुरंत बताइएगा। बताइए वो कौन थी जिसकी भक्ति के प्रभाव से नाग का हार बन गया था, नाग का हार बन गया था भक्ति के प्रभाव से? सही जवाब, जिन्होंने 22 वर्ष तक अपने पति का वियोग सहा, पति का वियोग सहने वाली वो कौन थी? अम्मा जी बताइए, अंजना सती, बिल्कुल सही जवाब। बताइए वे कौन थी जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि जलधारा बन गई, वो कौन थी? 11 माला फेरने क्या आज थारी आनी की उतार, विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतार, आरती उतारो धारी मूर्ति निहारो, आरती उतारो धारी मूर्ति निहारो, विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतार, विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतार, क्षेत्र सुनागिरी जन मिलियो है मार।
जी मनी राज जी की जय हो।